ताजा मुद्दा, दिल्ली की सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आज बड़ा फैसला लेते हुए कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि साल 2015 से सरकार बनने के बाद से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के क्षेत्र में बहुत काम किया गया है। सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को पक्का कर दिया है। इन सभी कर्मचारियों को दिल्ली सचिवालय में परमानेंट नौकरी का प्रमाण पत्र भी मिलेगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड में काम कर रहे करीब ऐसे 700 कर्मचारियों को परमानेंट किए जाने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे सभी लाभ इन कर्मचारियों को मिल सकेंगे। ये कर्मचारी दिल्ली जल बोर्ड में अस्थायी कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इन्हें परमानेंट कर दिया है। अपने ऐलान में उन्होंने कहा कि एक माहौल बनाया गया था कि कर्मचारियों को पक्का कर दो तो वे आलसी हो जाते हैं। टेम्परेरी कर्मचारी पर तो काम की तलवार लटकती रहती है। सरकारी क्षेत्र को बेहतर बनाने का काम सरकारी डॉक्टरों ने किया है, तो ऐसा कहना झूठ है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते। केजरीवाल ने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर कच्चे कर्मचारियों को परमानेंट किया गया हो। हमने सरकार बनाने के बाद से हर क्षेत्र में बहुत काम किया है। केजरीवाल ने आगे कहा कि मैं तो चाहता हूं कि दिल्ली के सभी विभागों में पक्के कर्मचारी हों, लेकिन हमारी शक्ति सीमित है, लेकिन हम केंद्र से बात करेंगे। मुझे आज बहुत खुशी है। धन्यवाद।